हेलो माय डियर स्टूडेंट टुडे इज टर्न ऑफ अवर साइंस बुक सो वी स्टडी अवर साइंस बुक सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज अवर साइंस वर्क टुडे इज डियर स्टूडेंट अब तक हमारा सिक्स चैप्टर कंटिन्यू था। देखिए क्या था, बॉडीज ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स की बॉडीज के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। बर्ड्स की बॉडी के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड, यानी बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड पढ़ा, जिसमें हमने इनके कैरेक्टरिसाइट पढ़े थे, किसके बर्ड्स के फीदर्स पढ़े थे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो भी रिलेट किससे है, बर्ड से। तो बर्ड से रिलेट करता हुआ एक नया चैप्टर करेंगे, तो वो चैप्टर देखते हैं। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था बर्ड्स के बारे में, उसी का नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो नया टॉपिक देखिए आज का क्या रहेगा, नया टॉपिक है बीक्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स की बीक। आप अच्छे से जानते हो बीक्स क्या होती है, इनकी जो चोंच होती है उसको हम अंग्रेजी में बीक्स बोलते हैं। तो आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, उनकी सबकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स होती है, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, बर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड। बर्ड्स, बाकी के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके जैसे बर्ड्स को भी भोजन की ज़रूरत होती है। आप सभी जानते हो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे बर्ड्स हो, सभी को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही बर्ड्स को भी जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड। बर्ड्स के पास ह्यूमंस के जैसे भोजन को खाने के लिए दांत नहीं होते हैं। दे हैव बीक एंड काउज टू गेट फूड एंड ईट इट। उनके पास क्या होता है, दांत नहीं होते, लेकिन उनके पास बीक्स होते हैं, क्लाउज होते हैं, पंजे होते हैं, जिनसे क्या करता है वो अपना भोजन लेता है और खाता है। अब देखिए, बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू गेट फूड। अब उसके अलावा बर्ड्स के जो बीक्स होते हैं उनके और क्या यूजेज हैं वो देखिए। बर्ड्स क्या करते हैं, अपनी बीक का इस्तेमाल अपना भोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर कलेक्टिंग मटेरियल्स टू मेक देयर नेस्ट। बर्ड्स क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है, जैसे स्ट्रॉ है, जो भी इनको आइटम चाहिए होते हैं, ऊन है, एनीथिंग एल्स दैट नीडेड फॉर मेक नेस्ट, वो सब किससे कलेक्ट करते हैं, वो सब अपनी बीक से करते हैं। मोस्ट बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू स्मूथ देयर फीदर्स, दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ मतलब ज़्यादातर बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी बीक का इस्तेमाल अपने फीदर्स को स्मूथ बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए करते हैं। अपनी बीक का इस्तेमाल करके अपने फीदर्स को, पंखों को मुलायम बनाते हैं, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रीनिंग कहा जाता है। आगे है, बर्ड्स आल्सो यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। बर्ड्स क्या करते हैं, बीक्स का इस्तेमाल, अपनी चोंच का इस्तेमाल दुश्मनों से बचने के लिए भी करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कई बर्ड्स ऐसे होते हैं चोंच मार मार के किसी जीव को मार देते हैं, तो इस प्रकार वो अपनी सुरक्षा करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, अलग अलग प्रकार की बीक्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम बर्ड्स की बीक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स देखिए। फर्स्ट है शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक, तीखी और मजबूत हुक्ड बीक, तो इसके बारे में हम देखते हैं। Some birds have strong, sharp and hooked beak by which they catch the prey and tear off the flesh. कुछ birds ऐसे होते हैं जिनकी जो beak होती है वो मजबूत होती है, तीखी होती है और hooked, यानी कि जैसे आपको ये डिजाइन जो दिखाई दे रही है थोड़ी सी आगे से मुड़ी हुई होती है, ताकि वो अपने भोजन को प्राप्त कर सके, prey means शिकार को तलाश कर सके। और जो फ्लैश खाते हैं, जैसे कि ईगल है, वल्चर है, हॉक है, ये सब क्या करते हैं, ये फ्लैश खाते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, तो इसलिए फ्लैश खाते हैं। तो फ्लैश को खाने के लिए टीयर करना पड़ता है, तो इनके लिए इनकी जो बीक होती है वो स्ट्रांग होती है, मजबूत, तीखी और हुक्ड होती है, ताकि वो अपने भोजन को खा सके। दे आल्सो ईट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक स्नेक, रोडेंट्स एंड डक्स। अब देखिए, उसके अलावा कुछ छोटे बड़े जीवों को भी खाते हैं, कुछ जीव पक्षी उनको भी खाते हैं। देखिए, क्या स्नेक को खा सकते हैं, रोडेंट्स, रोडेंट्स का मीन होता है चूहे, उनको खाते हैं, और डक्स बतख, इन सबको खाने का काम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईगल है, वल्चर, ओवल हुक, ये सब क्या है, ये सारे नॉन वेजिटेरियन, यानी जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में कार्निवर्स बोलते हैं, कार्निवर्स एनिमल है। तो इन एनिमल्स की जो बीक होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, ताकि वो अपने फ्लैश को टीयर कर सकें। तो ये क्या हो गया, ये वो बर्ड्स हो गए जिनकी बीक जो है वो शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड होती है। सेकंड है हमारा हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बीक। अब सेकंड, ऐसे बीक वाले एनिमल है जिनकी बीक जो होती है कठोर होती है, हार्ड मीन्स कठोर होती है, मजबूत होती है और छोटी होती है। देखिए, सम बर्ड्स हैव हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बीक्स बिकॉज दे ईट ग्रेन।
कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी बीक जो होती है वो छोटी, हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बीक. सम बर्ड्स हैव हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बीक्स बिकॉज दे ईट ग्रेन्स. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी बीक क्या होती है, कठोर, मजबूत और छोटी होती है. क्यों? क्योंकि वो क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, दाने खाते हैं, इसलिए इनकी बीक छोटी होती है. दीज टाइप्स ऑफ बीक्स एनेबल दीज बर्ड्स टू पिक अप एंड क्रश द ग्रेन्स दे ईट. और इन बर्ड्स के अंदर ऐसी बीक इसलिए होती है क्योंकि ये अनाज खाते हैं, दाने खाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो दाना वो खाते हैं उसको क्रश करने के लिए और उसको खाने के लिए उनके अंदर इस प्रकार की बीक्स पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल पिजन, स्पैरो, पिकॉक, फिंच, तो ये ऐसे बर्ड है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इनकी बीक क्या छोटी है लेकिन मजबूत है, ताकि ये अपनी बीक का इस्तेमाल जो भी ये दाने खाते हैं उनको क्रश करने में, तोड़ने में, उनको जो चूरा बना के या फिर उसको क्रश करके खा सके. अब आगे है लॉन्ग स्लेंडर एंड कर्व्ड बीक. अब देखिए नेक्स्ट जो थर्ड है वो हमारा कैसी बीक्स का है. थर्ड ऐसे बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी बीक क्या है, लंबी है, स्लेंडर है, गोलाई नुमा है और पतली है. लंबी है, स्लेंडर मीन्स उनकी पतली है, और कर्व्ड यानी कि थोड़ी नुकुली इस प्रकार की जो बीक पाई जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे. देखिए सम बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स हिडन इन दी होल्स. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो छिद्र के अंदर छुपे हुए जानवरों को या फिर इंसेक्ट, कीड़े मकड़ों को खाते हैं. दे हैव लॉन्ग स्लेंडर एंड कर्व्ड बीक फॉर पुलिंग आउट इंसेक्ट फ्रॉम देयर हाइडिंग पैलेस. और इनके अंदर जैसा हमने पढ़ा था लॉन्ग स्लेंडर और कर्व्ड बीक पाई जाती है, इसलिए पाई जाती है ताकि इंसेक्ट जो अपने हाइडिंग पैलेस में छुपे हुए होते हैं उनसे, स्लेंडर में पतली, अपनी इस पतली सी चोंच से वो उस इंसेक्ट को खींच के बाहर निकाल सके और अपना भोजन प्राप्त कर सके. जैसे हुप होप कैटल, और तो इनका काम क्या होता है, जो इनका जो प्रे होता है शिकार, जैसे कि इंसेक्ट, उस इंसेक्ट को खाने के लिए इंसेक्ट क्या करते हैं, अपने हाइडिंग पैलेस में छुपे रहते हैं, तो उसको खाने के लिए अपनी इस लंबी सी पतली सी कर्व्ड बीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको उसके हाइडिंग पैलेस से बाहर निकाल सके और अपनी फूड की नीड को कंप्लीट कर सके. जैसे हुपो है, कैटल है, इग्रेट है, तो ये ऐसे बर्ड होते हैं जिनकी बीक जो है पतली और लंबी होती है. आगे है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स. ब्रॉड मीन्स चौड़ा और छोटी. ऐसे पक्षी जिनकी बीक जो होती है वो चौड़ी होती लेकिन छोटी होती है. दी ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स ऑफ ए स्वेलो इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड. जिनकी बीक चौड़ी और छोटी होती है उनकी बीक के अंदर की तरफ एक स्टिकी चिपचिपा सा पाया जाता है. द स्वेलो मूव्स अराउंड एंड अराउंड इन द एयर विद इट्स बीक ओपन. टिनी फ्लाइंग इंसेक्ट गेट स्टक इन इट्स बीक. और ये क्या करते हैं, इससे पक्षी अपनी बीक को ओपन करते हैं और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इनकी बीक के अंदर की तरफ क्या होता है, स्टिकी चिपचिपा सा पाया जाता है, तो ये अपनी बीक को हवा में ओपन करते उसको गोल गोल घुमाते हैं. तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, उनकी बीक जो है चौड़ी और छोटी होती है और साथ ही इनकी बीक्स के अंदर एक चिपचिपा सा पाया जाता है. तो ये ऐसे बर्ड्स क्या करते हैं, अपनी चोंच के सहारे गोल गोल हवा में घूमते हैं और जितने भी छोटे छोटे फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं वो उनकी बीक्स में या चोंच में चिपक जाते हैं और बाद में क्या करते हैं, वो उसको निगल लेते हैं. तो इस प्रकार वो अपना फूड गेन करते हैं. आगे देखिए, आगे हमारा लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. अब हम ऐसे बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी बीक क्या है, लंबी है लेकिन नुकीली है, पॉइंटेड है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. सम बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स फॉर पुलिंग आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड एंड ईट अप देम. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी बीक लंबी और नुकीली होती है. क्यों? ताकि वो इंसेक्ट जो क्या है, जमीन में होते, मिट्टी में होते हैं, उन मिट्टी में से उनको खींच के बाहर निकाल सके और उनको खा सके. जैसे बीक ऑफ सनबर्ड, बीक ऑफ हमिंग बर्ड. अब देखिए कितनी नुकीली है इनकी, लंबी और नुकीली है ताकि ये जमीन के अंदर पॉइंट कर सके और उसमें से इंसेक्ट को बाहर निकाल सके और भोजन प्राप्त कर सके. लास्ट हमारा रहेगा ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. अब लास्ट हमारा बीक्स के बारे में टॉपिक रहेगा, ब्रॉड और फ्लैट यानी चौड़ी और चपटी बीक, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. चौड़ी देखिए कितनी चौड़ी है और चपटी है. अब ऐसा क्यों पाए जाते हैं इनके अंदर वो देखिए. डक्स एंड स्पून बीन्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. डक्स और स्पून बीन्स जो होती है इनकी बीक चौड़ी और चपटी होती है. दे हेल्प इन फाइंडिंग फूड व्हेन डिगिंग अप द मडी बॉटम ऑफ ए पॉन्ड और स्ट्रीम. ये क्या करते हैं इनके अंदर ये चौड़ी
चोंच इसलिए पाई जाती है क्योंकि जब ये, आप अच्छे जानते हो डक कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है, तो जब कीचड़ वाला दलदल वाला पानी होता है तो वहाँ क्या करते हैं, अपनी चौड़ी सी चोंच का इस्तेमाल करके उसके अंदर पॉइंट करते हैं और इसके अंदर जितने भी इंसेक्ट होते हैं या इनके खाने के लिए जितने भी जीव होते हैं उनको वो निकाल के खा सकें। अ डक्स बीक हैज स्मॉल होल्स अलोंग द एजेस विच एक्ट एज स्टिंगर्स। और ये जो डक होती है इसकी जो चोंच जिसके किनारे पे एजेस का मीन होता है चोंच की, सॉरी किनारे, इनकी किनारे पे के ऊपर कुछ छेद होते हैं, ये छेद क्या करते हैं, स्ट्रेनर का काम करते हैं, छानने का काम करते हैं। वो देखिए किस प्रकार से करते हैं। वाटर एंड मड गो आउट फ्रॉम दीज स्ट्रेनर्स लिविंग स्मॉल प्लांट्स एंड टीनी वाटर एनिमल्स इन दी बर्ड्स माउथ। अब क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो डक जो होता है पानी के अंदर रहता है वो ऐसी दलदल वाली मिट्टी में रहता है जहाँ आप अच्छे से जानते हो पानी के अंदर छोटे मोटे जीव पाए जाते हैं पानी वाले। तो जैसे ही अपनी बीक का इस्तेमाल अपने प्रे को कैच करने के लिए करता है तो इसके जो एजेज हैं जिसके अंदर छेद होते हैं बारीक बारीक जो स्ट्रेनर का काम करते हैं, छानने का काम करते हैं, तभी जब एक साथ चौड़ी चोंच से उस फूड को लेते हैं तो उसके साथ में मिट्टी भी आ जाती है, छोटे मोटे प्लांट्स भी आ जाते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि ये लोग मिट्टी को नहीं खाते हैं तो इनके जो स्ट्रेनर्स होते हैं इनके द्वारा ये मिट्टी निकल के छन के बाहर चली जाती है और शेष कौन रह जाता है, जो वाटर एनिमल्स जो ये खाते हैं वो ही इनके शेष रह जाता है, बाकी के जो अनवांटेड थिंग्स है वो स्ट्रेनर के द्वारा छन के बाहर चली जाती है और इनके माउथ में क्या जाता है, जो इनका फूड होता है वो इनके माउथ में जाता है इनकी फूड की नीड को पूरा करने के लिए। तो बच्चों ये आज अपना क्या कंप्लीट किया हमने, आज हमने बर्ड्स के बीक के बारे में पढ़ा था, पिछले जो वीडियो हमने किया था उसमें हमने बर्ड्स के फीदर्स के बारे में पढ़ा था, उनके कैरेक्टर साइड पढ़े थे। आज एक नया जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बीक्स का वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आपको भी ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा या नेक्स्ट अपनी जो क्लास रहेगी वहाँ हम फिट एंड क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, पंजों के बारे में और पैरों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आज के वीडियो में आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, और साथ ही आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा, आज को आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और आपको क्या करना है, इसकी जितनी भी बीक्स के टाइप है यानी 6 टाइप ऑफ बीक्स हमने पढ़ा था, तो इन बीक्स के नाम लिखने हैं और इनके सामने जिन जिन बीक्स, फॉर एग्जांपल देखिए आपको ऐसे करना है, जैसे हार्ड शॉर्ट हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बीक्स, ये आपने अपना नंबर डाला, इसके जस्ट सामने कौन से एनिमल्स में इस प्रकार की बीक पाई जाती है जैसे पिजन, स्पैरो, पीकॉक, फिंच, तो ये बर्ड्स आप यहाँ लिखोगे। फिर देखिए लॉन्ग स्लेंडर एंड कर्व बीक, ये लिखा आपने, टाइप लिखा, टाइप्स ऑफ बीक लिखा, अब इसके सामने किन किन एनिमल्स में ऐसे बीक पाई जाती है जैसे हुप्पो, कैटल और इग्रेट, तो ऐसे आपको आपका होमवर्क करना, तो आपके आज 6 पॉइंट होमवर्क के रहेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।